नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। चुनाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फीवर क्लिनिक पर मंगलवार को समस्त दुकानदार और तहसील के कर्मचारियों सहित 79 लोगों की सैंपलिंग डॉक्टर राकेश राजपूत, डॉक्टर सतीश राजपूत के द्वारा की गई। सैंपलिंग होने से पहले सभी के रजिस्ट्रेशन जागृति सेंगर, सुरेंद्र, रितेश राणा के द्वारा किए गए। चिनोर में 10 दिन पहले एक ही परिवार के 3 संक्रमित पाए गए थे, तभी से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश में एसिडेंट कमांडर तहसीलदार शिवदयाल धाकड़ के द्वारा तहसील के समस्त कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि जो दुकानदार अधिक भीड़भाड़ के संपर्क में होने चिन्हित कर सभी की सैंपलिंग कराई जाए। सैंपलिंग होने के बाद सभी दुकानदार जांच रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटीन मास्क लगाकर रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। रिपोर्ट आने से पहले अगर कोई दुकानदार दुकान चलाता पाया गया तो 14 दिन के लिए दुकान सील कर जुर्माना वसूला जाएगा। चिन्नौर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। आज फुल सैंपलिंग करा रहे हैं यहाँ पर चिनोर फीवर क्लिनिक में। यहाँ क्या है, दुकानदार हैं और बाकी जहाँ जिन सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं या नाई की दुकान वाले हैं, कटिंग वाले हैं, तो ये लोगों की यहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना रहता है, उन लोगों की सैंपलिंग हम करा रहे हैं। और प्रयास हमारा ये है कि अधिक से अधिक लोगों की आज सैंपलिंग कराएँ। इकट्ठा कई ग्रामों से लोगों को बुलाया गया है तो वो कतारबद्ध होकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोग सैंपल करा रहे हैं और अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है हमारा। लगभग अभी तक कितने लोगों की सैंपलिंग हुई? अभी करीब सैंपल नहीं हुई, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, करीब 30 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पूर्व में अभी कितने लोगों में कराएंगे और हमारा टारगेट तो 150-200 के लगभग है, अब जितना भी हो।